अर्जुन ने किया अपने प्यार का इजहार। अर्जुन ने दिखाया शादी के फोटोज। कल इस टीवी शो मेघा बरसेगी के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि अर्जुन कोर्ट के सामने झूठ कहता है और अर्जुन बोलता है कि उसकी और मेघा की शादी हो गई है। साथ ही अर्जुन कुछ एडिटेड फोटोज भी दिखाता है। अर्जुन ने कहा कि जब मेघा 18 साल की थी उस दौरान अर्जुन और मेघा की शादी हो गई थी और दोनों ने घर वालों से छुपकर मंदिर में शादी की थी। अर्जुन जज के सामने कहता है कि मेघा उसकी वाइफ है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही अर्जुन जज के सामने दो पीओवी रखता है। पहला, अर्जुन कहता है कि मान लेते हैं कि जैसा मनोज ने कहा उस अकॉर्डिंग मेघा पागल है। मेघा को चीजें याद नहीं रहती और उसने अपने पागलपन में मनोज से शादी कर ली और मनोज का पीछा करते हुए जॉर्जिया पहुंच गई। अगर ये सब कुछ सच है तो मनोज और मेघा की शादी इनवैलिड है क्योंकि मेघा ने ये सब कुछ नशे की हालत में किया और पहले अर्जुन और मेघा की शादी हुई थी। और अगर ये सब कुछ झूठ है, मेघा ने मनोज से जबरदस्ती शादी नहीं की, वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि मनोज मेघा के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है और उसके खिलाफ उसने झूठा केस फाइल किया है। अब यहाँ पर जजेस कोई भी बात क्यों ना माने, अगर वो मनोज के झूठे इल्जाम को सच माने तो मेघा ड्रग एडिक्ट है और उसे सजा इंडिया में मिलेगी, और अगर मेघा ड्रग एडिक्ट नहीं है तो मनोज को सजा मिलेगी। तो मनोज ये केस हार गया और मेघा और अर्जुन फाइनली इंडिया वापस आएंगे। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।